आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपका अकाउंट BOI बैंक में है, अगर आप इसकी डिपॉजिट स्लिप भरना चाहते हो किस तरह से फिल की जाती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की स्लिप मिलेगी जिसे आपको फिल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी जिस तारीख को आप पैसा जमा करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपका अकाउंट किस बैंक की ब्रांच में है, किस जगह पे। उसके बाद देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपका अकाउंट है वो किस टाइप का है। यहाँ पे देखिए, काफ़ी टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि हमारा अकाउंट मान लेते हैं सेविंग अकाउंट है, तो हमें सेविंग अकाउंट पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है जिसके नाम पर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा। फिर देखिए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं हम 5000 करवा रहे हैं, तो हमने पहले ऊपर लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए, आपको टोटल यहाँ पे लिखा है, फिर से आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा इसे क्रॉस डाल के। फिर आपको इसे शब्दों में लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 5000 लिख दिया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। देखिए, आपको फिर से यहाँ पे आपकी जो बैंक की ब्रांच है उसका नाम लिखना पड़ेगा। फिर से आपको बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट किस टाइप का है। तो हमारा अकाउंट मान लेते सेविंग है, तो हमने SBI पे टिक कर दिया। इसके बाद देखिए, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। अब देखिए, जो ऑप्शन ये दे रखा है इसके अंदर साफ साफ बोला गया आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कैश से डिपॉजिट करवाते, अगर आप 49,999 से कराते हैं, मतलब अगर आप 50,000 से ऊपर अगर पैसा जमा कराते हैं, तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी। लेकिन हमें इतना बड़ा अमाउंट फिल डिपॉजिट नहीं कराना, तो इसलिए हमें इसे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, हमें इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सीधे क्या करेंगे, इसके बाद आप जितना पैसा डिपॉजिट कराना चाहते हैं आपको फिर से यहाँ शब्दों में लिख देना है, जैसे कि 5000 मैंने लिख रखा है। इसके बाद देखिए, फिर से आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी जिस तारीख को आप फॉर्म जमा कराएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पे फिर से आपको अपनी बैंक की ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, आप ये बताना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट जमा करा रहे हैं, आपको यहाँ पर साइड में लिखना है। इसके बाद आपको ये बताना है कि आप किस तरह से डिपॉजिट कराना चाहते हैं। 2000 की कितनी नोट है, 500 की, 200 की, 100 की, 50 की, 20 की, 10 की या 5 की। तो देखिए, हमारे जो 5000 रुपये हैं, हम 2000 की दो नोटें और 500 की दो नोटें, तो इस तरह से अपने पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ऐसे क्रॉस डाल देना है। उसके बाद जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करा रहे हैं, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे लिख देना है। और फिर देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो बस आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से जो BOI बैंक का जो डिपॉजिट फॉर्म फिलअप है पूरा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।